एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, और पार्ट नंबर 1 के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक समझ भी आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और आपको यहाँ पे ये भी पता रखना है कि आवेश का स्थानांतरण के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, आखिर ये होता क्या है, काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण समझते हैं इसका। इसके लिए आपको एक गुब्बारा, जो मुरब्बे होता है ना, सॉरी मुरब्बे होता है, ठीक है, मुरब्बे की एक बोतल लेनी है, और उसके बाद से बोतल के मुंह का साइज एक तरीके से कस्ता लेना है आपको। उसके बाद से देना आपको जो धातु है ना, धातु की पेपर विकल्प उसमें घुसाई जा सके, ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। आप यहाँ पर इसको रीड भी कर पा रहे होंगे। और आपको आपको फिर लेना है कि जो एलुमिनियम है, ठीक है, एलुमिनियम की पन्नी का जो लगभग वो आपका 4 सेंटीमीटर से लेके आपका 1 तक होना चाहिए, और जो दो पट्टी होनी चाहिए, दो पट्टी आप काट लीजिए उसकी, नहीं है तो उसको आप काट सकते हैं इजीली। और जो पेपर है ना, पेपर जो भी क्लिप है उसके साथ साथ आपको लटकाना है। और लटकाने के बाद में आप क्या करेंगे इसमें, कि जो भी रिफिल है, रिफिल को आवेशित करने के बाद आप उसको स्पर्श करना है, कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप इसको पिक्चर में यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लटकाया दिया गया है, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, काफ़ी अच्छे से इसको रीड कर लेना। अब हम जानते तड़ित की कहानी, ये वर्ड दिया गया है पे तड़ित की कहानी। आखिर तड़ित होता क्या है, आपको पता है तड़ित कैसे उत्पन्न होता है, पहले ये जान लेते हैं। जो आसमान होता है ना, आसमान में एनर्जी मतलब धनावेश तथा ऋणावेश संचित होते हैं, संचित होने से तब वो एक दूसरे के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, तो ही संपर्क के साथ साथ वो बिजली भी आती है। धनावेश और ऋणावेश आखिर बादल में कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो भी गर्म है, ठीक है, गर्म जैसे कि आपका ऊपर की ओर उड़ती है, गर्म जो हवाएं होती हैं ऊपर की उड़ती हैं, उड़ने के साथ साथ उनके बीच जो भी बादल उपस्थित है वह रव करने के साथ साथ ऊपर उड़ती है, और इसी रगड़ के दौरान उसमें से आवेश की सृष्टि होती है। क्या होती है, आवेश की सृष्टि होती है। गर्म हवाएं ऊपर उड़ती हैं जो जलवाष्प से पहले, मतलब जो जलवाष्प से पहले उसमें उपस्थित होती हैं, देन वो संघनित होने लगती हैं, उसके बाद से वो नीचे की तरफ आती हैं, और क्या होता है, फिर जो गर्म हवाएं जलवाष्प को लेके ऊपर उड़ रही थीं उनके बीच में एक घर्षण की सृष्टि होती है। किसकी सृष्टि होती है, घर्षण की होती है। पहले क्या बना आपने, आवेश की सृष्टि हुई, देन आपने समझा कि किसकी सृष्टि हुई, किसकी सृष्टि हुई, यहाँ पे ये आपको समझ लेना है, यहाँ पे किसकी सृष्टि हुई, घर्षण की सृष्टि हुई। और पहले मैंने आपको बताया था कि आवेश की सृष्टि हुई, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब इन प्रबल गतियों की जो भी कारण है वो आवेश के कारण, उसको आवेश को पृथक्करण होता है। अब हवाएं इन्हें भी ज़्यादा जैसे आवेशित कर देती हैं, हवाएं बहुत ज़्यादा आवेशित कर देती हैं, क्योंकि हवाओं का जो रव है ना उन दोनों के बीच में होता है। अब आपको ये भी समझ लेना है यहाँ पे कि जो जलवाष्प है ना, जलवाष्प के कण भी एक दूसरे के साथ रव कर रहे हैं बादलों के अंदर ही, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना है। एक बादल दूसरे बादल के साथ आकर्षण, या फिर दूसरे जो बादल है बादल के अंदर ही वो रव हुआ, जो भी जलवाष्प है जलवाष्प के साथ, या फिर हवाओं के जो भी मेघ हैं तो एक साथ वो रव होने लगते हैं। आपको पता है कि 3 प्रकार के जो रव हुए, जैसे कि आपका विद्युत कितने प्रकार से हमारे आसमान के साथ जो धरातल है वो बनाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। आपको यहाँ पे समझना है जो तड़ित होती है, तड़ित मेघों के जो भी मेघों से मेघ के अंदर नहीं होता है, बादलों से हवाओं से होता है, ठीक है, बादलों से हवाओं से होता है, बादल से हमारे धरातल पे आना। अगर आपको समझाया जाए ये 3 प्रकार से, 3 प्रकार के रब की सृष्टि होती है,
उन्हें तीन प्रकार के धरातल पर भी आने की कोशिश करते हैं। बादलों के ऊपरी जो किनारे होते हैं वो निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं और जो ऋण आवेश है वो बादलों के नीचे किनारे पर संचित हो जाते हैं। अब देखेंगे कि जो धरती है, धरती के निकट भी जो भी धनावेश है वो संचय होता है, संचित आवेशों का जो भी परिमाण है वो अत्यधिक हो जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेना है। तो वायु जो विद्युत की हानि चालक है, आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती है। जब दोनों का आवेश बराबर रूप से हो जाते हैं तो जो स्थित बादल है ना वो धनावेश हो चुके हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको त्याग देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इस पिक्चर में काफ़ी इजीली समझने की कोशिश करें। नीचे वाला बादल इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इसीलिए ऊपर वाले जो बादल हैं वो धनावेश हो जाते हैं, मतलब धनावेश पूरी तरीके से हो चुके होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाले बादल हैं वो ऋणावेश हो चुके हैं, ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है वैसे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो है फर्स्ट पार्ट वाली, उसको काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसको काफ़ी अच्छे से आप इसको देख लीजिए और डेली क्लास अटेंड करिए। मैं आपसे यही बोलूँगी, आप हिस्ट्री पॉलिटी जो भी क्लास है आपकी चलती है NCERT, जल्दी से कवर कीजिए, जल्दी जल्दी कवर कीजिए NCERT विद नोट्स। देन अब आपकी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कराते हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है ना अभी आपको। सो अच्छे से पढ़िए ना, अच्छे से हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।